मेरे को कोई पूछेगा तो मैं बोलूंगा भाई सबसे पहले तो इनकम का ट्वेंटी फाइव परसेंट आपको सेव करना चाहिए मतलब मेरे हिसाब से मेरा एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कितना हो गया सेवेंटी फाइव परसेंट दैट मींस मैं अपनी इनकम का सेवेंटी फाइव परसेंट स्पेंड कर सकता हूँ ये मेरा एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है डेफिनेशन एपीसी दैट इज एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम रेफर्स टू द रेशियो ऑफ कंजम्पन एक्सपेंडिचर टू द करस्पॉन्डेंट लेवल ऑफ इनकम दैट मींस आपकी इनकम के सामने आप कितना कंज्यूम कर रहे हो तो बेसिक फॉर्मूला क्या हो जाएगा सी डिवाइडेड बाई वाई दैट इज कंजन डिवाइडेड बाई योर इनकम सिंपल मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम दैट मीन्स मार्जिनल मैंने आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी बताया था लास्ट ईयर जहां पे भी मार्जिनल वर्ड आता है वहां पे चेंज आता है मार्जिनल मतलब क्या होता है चेंज तो दैट मींस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मीनिंग हो गया कि अगर मेरी इनकम चेंज होती है तो उसके आगे मैं अपना कंजम्पशन कितने से चेंज करूंगा लेट से पहले मेरी इनकम थी वन थाउजेंड रुपीज अब मेरी इनकम बढ़ के हो गई इलेवन हंड्रेड रुपीज यानी मेरी इनकम कितने परसेंट से चेंज हो गई टेन परसेंट से चेंज हो गई उसके सामने पहले मेरा कंजम्पशन था लेट से फाइव हंड्रेड रुपीज ठीक है और अब मेरा कंजम्पशन इंक्रीज होकर लेट से फाइव फिफ्टी रुपीज हो गया तो वापस मेरा कंजम्पशन भी टेन परसेंट से इंक्रीज हो गया सिंपल तो यहां पे मेरा चेंज इन कंजम्पशन और चेंज इन इनकम दोनों सेम है तो वही होता है हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एम पी सी दैट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम रेफर्स टू द रेशियो ऑफ चेंज इन द कंज्शन एक्सपेंडिचर टू द चेंज इन टोटल इनकम दैट मेरी इनकम कितने से चेंज हुई है उसके सामने मेरी कंजम्पशन कितने से चेंज हुई है सिंपल फॉर्म्यूला क्या हो जाएगा एम पी सी दैट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज इक्वल टू चेंज इन कंजम्पशन चेंज हम कैसे डिनोट करते हैं डेल्टा तो डेल्टा सी डिवाइडेड बाई डेल्टा वाई डेल्टा सी क्या हुआ चेंज इन कंजन डिवाइडेड बाई चेंज इन इनकम सिंपल ओके. अब पहले हम देखते हैं वॉट इज एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एक बेसिक सम करके देखते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का ठीक है इनकम है जीरो कंजम्पन है फोर्टी मैंने आपको क्या बताया था एपीसी का फॉर्मूला क्या था कंजप्शन बाय इनकम तो कंजन अगर आपकी 40 है और इनकम अगर आपकी जीरो है तो फोर्टी डिवाइडेड बाई जीरो होता है क्या नहीं होता तो यहां पे हम सिंपली डैश मारेंगे ठीक है नेक्स्ट यहां पे आपकी कंजम्पशन है इनकम है आपकी हंड्रेड एपीसी का फॉर्मूला क्या था कंजम्पशन बाई इनकम तो यहां पे कंजम्पशन कितनी है वन ट्वेंटी डिवाइडेड बाई इनकम दैट इज वन हंड्रेड तो वन ट्वेंटी बाई हंड्रेड कितना होता है कैलकुलेटर चाहिए क्या नहीं चाहिए दो पॉइंट आगे चल जाएगा वन पॉइंट टू जीरोड बाई वन हंड्रेड नेक्स्ट कंजम्पशन इज टू हंड्रेड इनकम इज ऑल्सो टू हंड्रेड दैट मीनस टू हंड्रेड बाई टू हंड्रेड यून सिंपल नेक्स्ट यहां पर आपका कंजन है so, Last, पे आपका कंजन है थ्री सिक्सटी वहां पर इनकम है फोर हंड्रेड तो यहां पर आपका कितना हो जाएगा थ्री सिक्सटी डिवाइडेड बाई फोर हंड्रेड दैट इज जीरो पॉइंट नाइन ये हो गया आपका एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम याद रखना एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का क्या फॉर्मूला होता है इट इज सी बाय वाई दैट इज कंजम्पशन बाय योर इनकम तो यहां पे हम क्या करेंगे इंडिविजुअली करेंगे इन सब का टोटल मत कराना नहीं इंडिविजुअली हम करेंगे 120 बाय 100 दैट इज 120 200 बाय 200 दैट इज 1 फिर 280 बाय 300 दैट इज 0.93 बार एंड फाइनली 360 बाय 400 दैट इज 0.9 तो दिस इज योर एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम अब ग्राफ पे देखते हैं वेरी सिंपल ग्राफ पे भी देख लेते हैं देखो कंजम्पशन तो हमारा कभी जीरो नहीं होगा हमको पता है कंजम्पशन कर्व के बारे में दो चीज हमें पता है कि कंजम्पशन कर्व कभी भी जीरो नहीं हो सकता और वो हमेशा अपवर्ड स्लोपिंग होता है अभी तक तो याद हो जाना चाहिए कि कंजम्पशन कर्व हमेशा अपवर्ड स्लोपिंग होता है एंड इट कैन नेवर बी जीरो ठीक है अब यहां पर आते हैं देखो दो पॉइंट ऐसे हैं जहां पे हमारा कंजम्पशन हमारी इनकम से ज़्यादा है देखो 40 इज मोर देन जीरो 120 इज मोर देन 100 एक पॉइंट ऐसा है हमारा जहां पे हमारा कंजम्पशन और हमारा इनकम सेम है देखो इनकम 200 हंड्रेड कंजम्पशन भी 200 हंड्रेड दैट मीन्स दिस इज द पॉइंट वेयर आवर कंजम्पशन इज इक्वल टू आर इनकम सिंपल इसके बाद में जितने भी हमारे पॉइंट्स हैं वहां पर हमारी इनकम ज़्यादा है एज कंपेयर टू आर कंजम्पशन तो देखो एक चीज नोट नोटवर्दी है यहाँ पर जब भी हमारा कंजम्पशन ज्यादा होता है तब हमारा एपीसी वन से ज्यादा रहेगा क्यों न्यूमरेटर में क्या आता है कंजम्पशन डिनोमिनेटर में क्या आता है इनकम तो अगर आपका न्यूमरेटर बड़ा है आपके डिनोमिनेटर से सो ऑफकोर्स सी बात है आपका जो अल्टीमेट आंसर होगा वो वन से ज्यादा होगा ना इतना मैच तो आता है कि शिव सर को बुलाऊं आता है ना देखो यहां पे आपका न्यूमरेटर ज्यादा है दैट मीनस योर कंजम्पशन इज मोर देन योर इनकम दैट इज वन से ज्यादा है टी इज मोर देन वन हंड्रेड तो वन ट्वेंटी वन बाई वन हंड्रेड बिल गिव यूंट टू जीरो दैट मीन्स हमारा एपीसी हमेशा वन के ऊपर रहेगा कब जब हमारा कंजम्पशन हमारे इनकम से ज्यादा रहेगा सेकेंड फेज दिस इज द सेकंड पॉइंट देखो सेकेंड पॉइंट में क्या है आपका इनकम इज इक्वल टू योर कंजम्पशन इनकम टू हंड्रेड कंजम्पन भी टू हंड्रेड तो हमेशा याद रखना ऐसे पॉइंट पे एपीसी हमेशा वन रहेगा क्यों वन रहेगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर तो सेम है तो दोनों को काटोगे तो वन बचेगा ना इतना तो कर लोगे कि शेफ सर को बुला लूँ नहीं बुलाना पड़ेगा ना टू हंड्रेड डिवाइडेड बाई टू हंड्रेड इज ऑलवेज वन थर्ड फेज जहां पे हमारी इनकम ज्यादा है एज कंपेयर टू आर कंजम्पशन मतलब अब हमारा डिनोमिनेटर बड़ा है एज कंपेयर टू आर न्यूमरेटर कंजम्पशन ऊपर आता है कंजम्पशन कम है एज कंपेयर टू द इनकम तो ऐसे केस में हमारा ए पी सी हमेशा लेस देन वन रहेगा सिंपल अब ग्राफ पे आ जाओ देखो ये पॉइंट देखो यहां तक आपका जो कंजम्पशन था वो आपकी इनकम से ज्यादा था ठीक है ये वाला फेज होता है वेयर योर ए पी सी इज मोर देन वन ये वाला फेज होता है वेअर ए पी सी इज वन क्यों क्योंकि यहाँ पे इनकम एंड योर कंजम्पन्स आर सेम ठीक है एंड ये आपका वो वाला फेज है वेयर योर ए पी सी इज लेस देन वन क्यों बिकॉज यहां पे आपकी इनकम ज्यादा है एज कंपेयर टू योर कंजम्पशन ट मीन हमारा डिनोमिनेटर ज्यादा बड़ा है हमारे न्यूमोरेटर से तो हमारा एपीसी लेस वन रहेगा समझ में आ गई तीनों फेज फर्स्टर एपीसीकेंड फेजी टू वन एंड फेज एपीसी इज लेस देन वन ठीक है ओके अब समझते हैं द इंपॉर्टेंट पॉइंट एपीसी इज मोर देन वन मैंने आपको बता दिया ये वो पहला फेज था वेर योर एपीसी इज मोर देन वन कौन सा फेज था यह वेयर योर कंजन इज मोर देन योर इनकम दैट मीन आपका न्यूमरेटर आपके डिनोमिनेटर से बड़ा है सेकेंड एपीसी इज इक्वल टू वन दिस इज द पॉइंट दिस इज द पॉइंट वेयर योर एपीसी इज इक्वल टू वन क्यों बिकॉज आपका इनकम इज इक्वल टू योर कंजम्पन ठीक है थर्ड पॉइंट एपीसी इज लेस देन वन लेस देन वन का क्या मतलब हो गया मैंने अभी अभी आपको बताया यहां पे आपकी इनकम कंज़म्पशन से ज़्यादा है दैट मीन्स आपके डिनोमिनेटर इज़ मोर देन योर न्यूमरेटर ए पी सी का फॉर्मूला क्या था कंजम्पन बाई इनकम तो ये वो वाला फेज होगा जहाँ पर आपकी इनकम ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू योर कंजम्पन सिंपल फोर्थ पॉइंट ए पी सी फॉल्स विथ इंक्रीज इन इनकम ओके दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये पॉइंट ये कहता है कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी आपकी एपीसी गिरेगी दैट मीन विद द इंक्रीज इन योर इनकम द ए विल फॉल नाउ इज दिस इवन पॉसिबल क्या ये पॉसिबल है हा पॉसिबल है क्यों पॉसिबल है देखो आपकी इनकम जैसे जैसे बढ़ेगी आप कंज्यूम ज्यादा करोगे दिस वी ऑल नो बट आप सेव भी उतना ही करोगे ठीक है देखो यहां पे आप देखो योर इनकम इज इंक्रीजिंग बट योर एपीसी इज कंटिन्यूसली फॉलिंग वन पॉइंट टू वन देन यूर जीरो पॉइंट नाइन थ्री बार जीरो पॉइंट नाइन जीरो आप जैसे जैसे नीचे जाते जाओगे जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज होगी आपकी ए पी सी गिरेगी क्यों एक लिमिट है यार आप कितना स्पेंड कर लोगे एक लिमिट है ऐसे तो अगर आपकी ए पी सी बढ़ते जाती तो जिसकी जितनी ज़्यादा इनकम होती है उसके उतने ज़्यादा खर्चे होते हैं ना तो ऐसे तो मेरे खर्चे कम होते हैं एज कंपेयर तो टू मुकेश मुकेश अंबानी तो अपनी पूरी इनकम एग्जॉस्ट कर चुका होता अभी तक बट ऐसा नहीं है वो जितना अर्न करता है वो उस हिसाब से स्पेंड भी करता है बट वो मुझसे ज्यादा सेव भी करता है लास्ट पॉइंट इज एपीसी का मतलब क्या था एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मतलब हम हमारी इनकम का कितना पोर्शन स्पेंड कर रहे हैं तो क्या एपीसी कभी भी जीरो हो सकता है सोचो नहीं हो सकता क्यों नहीं हो सकता क्या हम कुछ स्पेंड ही नहीं करेंगे पॉसिबल ही नहीं है मैंने आपको पहले ही बताया कंजम्पशन कर कैन नेवर बी जीरो तो अगर आपका कंजम्पशन कभी जीरो नहीं हो सकता तो आपका एपीसी जीरो कैसे होगा सोचो जरा तो एपीसी कैन नेवर बी जीरो तो यहां पे हम लोग ने कंप्लीट कर लिया एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम अब चालू करते हैं हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मतलब क्या था कि अगर हमारी इनकम इंक्रीज होती है तो उसके सामने हम हमारा कंजम्पशन कितने से इंक्रीज या चेंज करेंगे ठीक है दैट मीन्स चेंज इन कंजम्पन डिवाइडेड बाई चेंज इन इनकम ठीक है सी चेंज इन सी चेंज इन वाई और एम पी सी ठीक है सेम क्वेश्चन है वापस इनकम इज जीरो हंड्रेड टू हंड्रेड थ्री हंड्रेड फोर हंड्रेड ठीक है कंजम्प्शन इज फोर्टी वन ट्वेंटी टू हंड्रेड टू एटी एंड थ्री सिक्सटी सबसे पहले हम निकालेंगे हमारा चेंज इन कंजम्प्शन देखो यहाँ पे तो डैश आएगा नो डाउट यहाँ पे कितना आएगा देखो पहले आपका कंजम्पन था फोर्टी अब आपका कंजम्पशन हो गया ट्वेंटी दैट मीन वॉट इज द चेंज इन कंजन टी माइनस फोर्टी टू एटी देखो पहले आप फोर्टी रुपीज स्पेंड करते थे अब आप वन ट्वेंटी रुपी स्पेंड कर रहे हो दैट आपने कितने से अपनी स्पेंडिंग चेंज करी 80 ठीक है देखो 40 था अब 120 हो गया दैट मीन 80 अब देखो आगे 120 आप अभी स्पेंड करते थे आपकी इनकम इंक्रीज हो गई तो आपने अपनी स्पेंडिंग इंक्रीज करके 200 कर दी तो 200 हंड्रेड माइनस वन अगेन 80 सेम तरीके से नीचे देखो अब आपकी इनकम और इंक्रीज हो गई तो आपका कंजम्पन और इंक्रीज हो गया पहले आप कंज्यूम करते थे 200 अब आप कंज्यूम करते हो 280 तो 280 एटी माइनस टू अगेन 80 सिमिलरली 360 सिक्सटी माइनस टू एट्टी विल अगेन गिव यू 80 तो यहां पे हमारा निकल गया चेंज इन कंजम्पन अब हम निकालते हैं चेंज इन इनकम पहले आपकी इनकम थी जीरो अब आपकी इनकम हो गई वन हंड्रेड तो हंड्रेड माइनस जीरो हंड्रेड ऑफकोर्स तो चेंज इन इनकम कितना हो गया 100। फिर 100 से 200 तो 200 हंड्रेड माइनस वन अगेन 100, थ्री हंड्रेड माइनस टू हंड्रेड अगेन हंड्रेड एंड फोर हंड्रेड माइनस थ्री हंड्रेड विल अगेन गिव यू हंड्रेड तो हमको जो दो कॉलम्स चाहिए एमपीसी निकालने के लिए दैट इज चेंज इन कंजम्पन एंड चेंज इन इनकम ये दोनों हमने कैलकुलेट कर लिए चेंज इन कंजन एंड चेंज इन इनकम नाउ लेट्स कम टू एम पी सी एम पी सी का क्या फॉर्मूला था चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाई चेंज इन इनकम याद है डेल्टा सी डिवाइडेड बाई डेल्टा वाई डेल्टा मतलब क्या होता है चेंज तो चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाई चेंज इन इनकम यहाँ पे हमने निकाल लिया हमारा चेंज इन कंजम्पशन यहाँ पे हमने निकाल लिया हमारा चेंज इन इनकम तो अब एम निकाल लेते हैं देखो यहाँ पे डैश डैश तो यहाँ पे ऑफकोर्स डैश ठीक है क्योंकि डैश डिवाइडेड बाई डैश विल गिव यू डैश ठीक है अब यहाँ पे आते हैं चेंज इन कंजम्पशन एटी डिवाइडेड बाई चेंज इन इनकम तो एटी डिवाइडेड बाई वन हंड्रेड विल गिव यू जीरो पर भी एटी डिवाइडेड बाई वन हंड्रेड अगेन जीरो पॉइंट एट एटी डिडेड बाई हंड्रेड जीरो हंड्रेड अगेन जीरो पॉइंट एट तो यह हमने हमारा कैलकुलेट कर लिया एम पी सी ग्राफ पे प्लॉट करते हैं देखो दिस इज अगेन योर कंजन ठीक है अब यहां पर हमने क्या डिनोट किया था डिस्पोजर इनकम this is your consumption on the y axis we have quoted consumption and on the x axis we are denoting the income हम क्या denote कर रहे हैं x axis पे हम denote कर रहे हैं हमारी income y axis पे क्या denote कर रहे हैं हम हमारी consumption तो एम अगर हमको निकालना है तो हमको दिखाना पड़ेगा कि हमारी इनकम और हमारी कंजन चेंज हुई है देखो पहले हमारी कंजन थी एम ठीक है अब हमारी कंजम्पशन चेंज होकर आ गई है एन पे पहले हमारी इनकम थी वाई वन अब हमारी इनकम चेंज हो गई है वाई टू ठीक है पहले हमारी जब इनकम वाई वन थी तब हमारा कंजम्पशन था एम अब जब हमारी इनकम इंक्रीज हो गई वाई टू आ गई है तब हमारा कंजम्पशन हो गया एन ठीक है समझ में आया यहाँ तक पक्का आगे बढ़ते हैं देखो यहां पे आपने ग्राफ प्लॉट कर दिया है ठीक है सी दिस इज योर कंजम्पशन दिस इज योर कंजम्पशन ऑन इनकम विद द इंक्रीज इन इनकम योर कंजम्पशन हैज ऑल्सो इंक्रीज सिंपल नाउ लेट्स मूव टू द इंपॉर्टेंट points दैट वी नीड टू स्टडी इन दिस ग्राफ फर्स्ट इज MPC varies from वेरीज फ्रॉम जीरो टू वन एम कभी भी जीरो से नीचे नहीं जा सकता एम कभी भी वन से ज्यादा नहीं जा सकता अब आप बोलोगे सर ए तो वन से ज्यादा था हमने पढ़ा था बट वो ए था हम बात कर रहे हैं एम पी सी की दैट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एम पी सी का मतलब क्या होता है चेंज इन कंजम्पशन बाई चेंज इन इनकम ठीक है दैट मीन्स फॉर एम पी सी टू बी मोर देन वन अगर एम पी सी को वन से ज्यादा होना है तो चेंज इन कंजम्पशन शुड बी मोर देन द चेंज इन इनकम दैट मीन्स मेरी इनकम तो हंड्रेड रुपीज से बढ़ी लेकिन मैंने अपना कंजम्पशन टू हंड्रेड से इंक्रीज कर दिया तो वो ऐसा कभी हो सकता है क्या हो ही नहीं सकता ऐसा कभी तो वो कभी भी वन से ज्यादा नहीं हो सकती मैक्सिमम एम पी सी कितना हो सकता है वन दैट मीन्स हमारी इनकम जितनी इंक्रीज़ हुई थी हमने वो सारी की सारी एडिशनल इनकम स्पेंड कर दी हंड्रेड रुपीज़ ज़्यादा मिले थे हमने वो पूरे हंड्रेड स्पेंड कर दिए जैसे होता है ना हमारे साथ में दिवाली पे कभी कवर मिल जाता है एक्स्ट्रा रुपए दे देते हैं घर वाले तो हम क्या करते हैं सारे पैसे स्पेंड कर देते हैं ठीक है हम कोई ट्रिप पे जा रहे हैं आफ्टर ट्वेल्थ आर प्लानिंग टू गो टू गोवा तो पापा ने बोला ले पाँच हज़ार मेरी तरफ से एक्स्ट्रा रख ले हम क्या करेंगे पूरे पाँच हज़ार खत्म कर देंगे एडिशनल इनकम ज्यादा से ज्यादा आप पूरी स्पेंड कर सकते हो तो दैट मीन्स एम पी मैक्सिमम वन हो सकता है अब एम पी जीरो से नीचे क्यों नहीं हो सकता क्योंकि आप कंजम्पन कभी बंद नहीं करोगे अगर आपकी इनकम इंक्रीज होगी तो आप अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज करोगे ही करोगे नो बडी इज फुली सैटिस्फाइड कोई भी इंसान इस दुनिया में ऐसा नहीं है जो फुली सैटिस्फाइड हो तो जैसे ही हमारी इनकम इंक्रीज होगी हम क्या करेंगे हम हमारा कंजम्पशन भी इंक्रीज करेंगे भले ही थोड़ा सा करेंगे बट करेंगे तो दैट इज द रीजन वाई एम पी सी कैन नेवर गो बिलो जीरो एंड एम पी सी कैन नेवर गो अबोव वन तो एम पी सी हमेशा किसके बीच में रहेगा जीरो और वन के बीच में रहेगा सेकेंड पॉइंट एम पी सी ऑफ पुअर इज मोर देन एम पी सी ऑफ रिच क्यों रिच लोग ऑलरेडी अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करके रखे हैं जैसे ही पुअर क्लास था लेट्स से एक एक जन था जो बहुत ही लोअर मिडिल क्लास से था उसने अच्छी पढ़ाई करी और उसकी बहुत अच्छी इनकम शुरू हो गई तो वो ज्यादा स्पेंड करेगा क्यों ज्यादा स्पेंड करेगा उसके पास में ज्यादा चीजें खरीदने के लिए घर खरीदेगा गाड़ी खरीदेगा ठीक है जैसे याद करो द मूवी थ्री इडियट्स ठीक है वो भिंडी चालीस रुपये किलो बीस रुपये किलो तो वो क्या करेगा अपनी मम्मी के लिए किचन की ग्रोसरीज लेके आएगा सिंपल थिंग पुअर लोग जो होंगे वो एडिशनल इनकम को ज्यादा स्पेंड करेंगे क्यों उनको नीड है रिच पीपल क्या करेंगे अगर कोई एडिशनल इनकम होती है लाइक माई मोम वेरी रिच उनको दिवाली पे कभी भी एक्स्ट्रा रुपीज मिलते हैं दादी या नानी की तरफ से शील सेव इट ठीक है वाई बिकॉज उनके पास में ऑलरेडी ज्यादा चीजें हैं जितनी मेरे पास में है मैं क्या करता हूं मेरे को नानी दादी और मम्मी देती आई टेक इट आल गो फॉर शॉपिंग मैं शॉपिंग कराता हूँ तो एम पी सी ऑफ पुअर इज ऑलवेज मोर देन दैट ऑफ एम पी सी ऑफ रिच दैट मीन्स पुअर अपनी इनकम को एडिशनल इनकम को ज़्यादा स्पेंड करेगा हो सकता है शायद वो कुछ भी सेव नहीं करे वेयर एज एम पी सी ऑफ रिच इज गोइंग टू बी लो क्यों क्योंकि उनके पास में मोस्टली चीजें हैं तो वो शायद अपनी एडिशनल इनकम स्पेंड तो करेंगे बट पूरी स्पेंड नहीं करेंगे नेक्स्ट पॉइंट एम पी सी फॉल्स विथ इंक्रीजन इनकम ये मैंने आपको पहले भी बताया बट पहले हमने बात करी थी ए की कि जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होगी हमारा ए कम होगा सिमिलरली विद द इंक्रीज इन इनकम एम पी सी विल ऑल्सो फॉल क्यों सबसे पहले तो ये समझो कि एम होता क्या इट इज चेंज इन कंजम्प्शन बाई चेंज इन इनकम अब आप खुद बताओ आपकी इनकम धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है तो क्या आप अपना कंजम्पशन भी सेम रेट पे बढ़ाओगे नहीं एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे आप सेव भी करोगे तो जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज होगी आपकी एमपीसी फॉल होते जाएगी समझ में आया तो हेयर वी एंड विथ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम